सोनभद्र में जलपुरुष ने सोन नदी की धारा बाधित करने पर सरकार पर हमला बोला। जलपुरुष और केंद्रीय जल बोर्ड नदी नीति के सदस्य रहे मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह राणा ने पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता जगत नारायण विश्वकर्मा और गंगा सद्भावना यात्रा के साथियों के साथ सोनभद्र जिले के कोन थाना के हरा ग्राम पंचायत के ब्रह्मोरी सोन नदी का दौरा किया और नदी पर बने अस्थायी सड़क तथा सोन की मुख्य धारा बाधित कर बालू खनन कराए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर आलोचना की और कहा कि गंगा की सहायक महानद सोन नदी हम सबकी माँ है और सरकार माँ का सौदा कर धन कमा रही है। कहा कि किसी कानून में नहीं लिखा कि नदी के बीच धारा को बाधित किया जाए और खनन किया जाए, पर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश को भी ताक पर रखकर खनन कराया जा रहा है। कहा कि लीज भले ही दी गई हो पर वह भी गलत है, नियम के विरुद्ध है, जिसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैंने नदी नीति आयोग का ड्राफ्ट तैयार किया है, मुझे मालूम है कि नदी में खनन हो ही नहीं सकता और यहाँ नदी की हत्या हो रही है, इसे रोकने के लिए सत्याग्रह शुरू किया जाना चाहिए और यह हम सब सोन नदी के किनारे के गांव वालों को करना होगा, नहीं तो किसानों की जीवन भी मुश्किल में आ जाएगा। सद्भावना यात्रा से जुड़े और गांधी विचारक राम धीरज ने कहा कि नदी के बीच एक दिन में सड़क तो नहीं बन गई, इसमें जिला प्रशासन मंत्री विधायकों को मिली भगत साफ दिख रही है। ब्रह्मोरी जगह पर जो ये माइनिंग हो रही है ये बिल्कुल अवैध है। भारत सरकार की नदी नीति में और एक तरह से नदियों में माइनिंग कभी भी संभव नहीं है, तो ये इस तरह की माइनिंग करना ये बिल्कुल इलीगल है। ये कौन है, तू कहाँ से आया? तुम जाओ ना, तुम चलो तुम हटो। तुम क्या मतलब है तुम्हारा? अभी जाओ, हम जब कर लेंगे तो आना, चल जाओ। यहाँ हट जाओ बेटा, तुम हट जाओ। तुमको पूछना होगा, पूछना वो बता देंगे। ये सोन नदी में इस तरह की माइनिंग करना इलीगल है, ये नदी की हत्या है। नदियों में बांध मर्जी है जहाँ बना देना, फिर उनको रोड की तरह उपयोग करना और नदी में जहाँ तहाँ खड्डे खोदना, ये एक तरह से नदी पर एक अतिक्रमण और उसका शोषण और उसका प्रदूषण बढ़ाने का तरीका है। भारत सरकार के कानूनों नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। NGT ने जो अभी तक निर्णय दिए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उनका ये अवमेल अवमानना है। ये इस तरह से नदी में खनन करना ये भारत के पर्यावरणीय कानून का और नदी का दोनों का हत्या है। इस तरह की माइनिंग करना और की मर्जी है नदी के बीच में, ये जो माइनिंग हो रही है ये नदी के बीचों बीच हो रही है और ये सरकार का कोई कानून नहीं है कि नदी के बीच में खनन करे। उत्तर प्रदेश सरकार के सारे अधिकारी और कर्मचारी इसको देख रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी सड़क तो एक दिन में नहीं बनी होगी, लेकिन फिर भी सरकार और जिला प्रशासन इसको देख नहीं रहा है और सरकार ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ माइनिंग नहीं, अवैध माइनिंग मना है। और ये सरकार के नीचे सोनभद्र जैसे जिले में ये सीधे सीधे हो रहा है, इसका माने इसमें